रात भर से एमसीडी मुख्यालय में डटे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और पार्षद। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर रात भर एमसीडी हेडक्वार्टर में बवाल होता रहा, लात घूसे चलते रहे, कुर्सियां चली, बोतलों से तक हमला कर दिया गया और इस समय एमसीडी मुख्यालय के अंदर आप सांसद संजय सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराए बगैर वहां से नहीं हटेगी, ऐसा नेताओं का कहना है। एमसीडी हेडक्वार्टर में रात भर से चल रहा है ये बवाल, जिसके बाद नेताओं का कहना है कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो जाता है वो वहां से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये आप अंदर की तस्वीरें साफ देख सकते हैं, बवाल के बाद कितनी ये बवाल कितना बढ़ गया सदन में, लगातार ये बवाल जारी है कल रात 11 बजे से। और अब देखिए अभी भी स्थायी समिति के चुनाव को लेकर हंगामा लगातार सदन में जारी है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव को लेकर भारी शोर शराबा हो गया, लोगों में हाथापाई हो गई और इसके बाद ये हंगामा लगातार अब जारी है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकित, किस तरीके से अब आज फिर से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का जो चुनाव होना है उसको लेकर बवाल लगातार जारी है, कल रात से कार्रवाई चल रही है और सदन में फिर से हंगामे, लात घूसे और पानी की बोतलें भी एक दूसरे पर फेंक दी गई है, क्या इस तरीके से पार्षदों का व्यवहार है सदन में कि जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई जा रही है, और क्या अब इसका चुनाव होगा आज की इसकी भी तारीख टल जाएगी? अंकित, देखिए साफ तौर पर क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और कल शाम 6 बजे लगभग 5:30 का वो समय था जब स्थायी कमेटी, जिसको स्टैंडिंग कमेटी कहा जाता है, उसके सदस्य यानी 6 सदस्यों का चुनाव होना है। इसी को लेकर के बवाल है क्योंकि बीजेपी का आरोप ये था कि जो 40 से 50 के लगभग पार्षद जिन्होंने वोट कास्ट किया था वो मोबाइल लेकर के वैलेट उसमें चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले मोबाइल जमा कराइए। इसके बीच में सदन स्थगित होती रही और लात घूसे जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो कुछ इसी तरीके से चलती रही और उसके बाद जाकर के मेयर ने इस बात की इजाजत दी कि कोई भी मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। लेकिन अब भी जो हंगामे के आसार हैं वो इसी बदस्तूर चलते रहेंगे क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि जिन 40 पार्षदों ने वोट कास्ट किए हैं वो दोबारा से करें। वो इस मांग को लेकर के अड़ी हुई है कि जब तक वो दोबारा से वोट कास्ट नहीं करते तब तक वो सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती और इसी को लेकर के कल शाम 6 बजे से लेकर अभी सुबह का 8 बजने को आ गए हैं और अब तक इसी तरीके से कार्रवाई अभी भी स्थगित पड़ी हुई है। और अभी भी जो बीजेपी के पार्षद है उनका कहना है कि 6 बजे बोला गया था कि हम 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर रहे हैं लेकिन अभी तक सदन बैठ नहीं पाया है, यानी 2-2 घंटे बीत जाता है, लगातार हमें परेशान किया जा रहा है, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे का गैप हमें दे दिया जाता है और कहा जाता है कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं लेकिन मेयर आती ही नहीं है। तो यानी इस तरीके से पूरा चलता रहा और उसी दूसरी तरफ बीजेपी जो है उसको काउंटर करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार अपने पार्षदों से, उसने पहले ही कह रखा है कि जब तक नहीं हो जाता, संजय सिंह ने कल भी कहा था बयान में, यानी आज सुबह जब उन्होंने बयान दिया था, यानी आज की रात में जब बयान दिया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, हफ्ता हो या 10 दिन हो, हम बैठे रहेंगे। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी पहली ही बैठक में जाएगा, उनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे इस पर और अपडेट लेते रहेंगे कि क्या इसके आगे की कार्रवाई होती है, आप हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते आगे एमसीडी हेडक्वार्टर में संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के नेता इंकलाबी गीत गाते नजर आए हैं, मेज थपथपाकर आपके नेता क्या गुनगुना रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। Oh,
रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजदूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो,